हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन मोमोज रेसिपी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले डो बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा और ऑल पर्पज फ्लोर, थोड़ा सॉल्ट और थोड़ा ऑयल। स्टफिंग के लिए हम यूज करेंगे मिंस चिकन, गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, सोया सॉस, सॉल्ट, स्प्रिंग अनियन और ब्लैक पेपर। मार्केट में वैसे तो मिंस चिकन मिलता है, बट अगर आपके पास मिंस चिकन नहीं है तो आप सिंपल चिकन को भी कट करके ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डो बनाते हैं। डो में मैंने यहाँ पे सॉल्ट मिक्स कर लिया है अच्छे से। उसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ऑयल और सॉल्ट को हमें अच्छे से मिक्स करना है। पूरी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें ऐड करेंगे और एक डो तैयार करेंगे। एक बार में पानी यूज़ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि डो को हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है, एक जैसा रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा गीला। ये देखिए हमारा डो ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। इस तरह से और अच्छे से गूँथ लेंगे। जैसा हमें चाहिए था वैसा हमारा डो बन के रेडी हो गया है। अब इसे हमें कवर करके रख देना है। तो चलिए हम अब स्टफिंग की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने 100 ग्राम मिंस चिकन लिया है। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टेबलस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 से 4 बारीक कटी मिर्च, थोड़ा स्प्रिंग अनियन और 3 से 4 गार्लिक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल यूज़ किया है। आप चाहे तो चिकन फैट भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम मोमोज की तैयारी करते हैं। इस तरह से हम आटे को एक बार और गूंथ लेंगे अच्छे से, और इसकी छोटी छोटी हमें लोइयां बनानी है। जैसे हम पानी पूरी की तरह लोई बनाते हैं वैसी ही लोइयां बनानी, छोटी छोटी सी। ज़्यादा बड़ा साइज इसका नहीं रखना है। यहाँ मैं पूरे आटे की लोइयां बना के रख रही हूँ। हमारी लोइयां ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं। अब हम मोमोज की तैयारी। सबसे पहले हमें ऑयल लगाना है इसमें, और इस तरह से हम इसको बेलेंगे। इसमें हम डालेंगे चिकन। चिकन की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके कॉर्नर्स में हम पानी लगाएंगे जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए और जो हमारी स्टफिंग है वो बाहर ना आए। इस तरह से हम एक शेप दे देंगे, जैसे आप मोदक बनाते हैं उस तरह से आप शेप दे देंगे। ये देखिए हमारा मोमो रेडी है। इस तरह से हम बाकी के भी मोमोज बनाएंगे। यहाँ मैं आपको 2-3 तरह के मोमोज का शेप बना के दिखाऊंगी। ये देखिए एक शेप ये है। नॉर्मली हमें इसी शेप के मोमोज ज्यादातर देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक शेप और बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से हम पानी लगाएंगे इसमें और फिर इस तरह से हम फोल्ड करेंगे एक साइड से, जैसे आप हर शेप में कर रहे थे, और दूसरी साइड से हम इसे ऐसे कैसी चिपका देंगे और फिर इस तरह से हम इसको यहाँ से शेप दे देंगे। ये देखिए दूसरी साइड का शेप भी हमारा रेडी है। इसके बाद हम मैं आपको एक और शेप बना के दिखा रही हूँ। चिकन लेंगे, पानी लगाएंगे और इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए चिपकाएंगे और दूसरी साइड से हमें ऐसे ही चिपकाना है। ये देखिए एक शेप ऐसा रेडी हो गया है। इस तरह से हमारे सारे मोमोज रेडी हो गए हैं। अब हमें इस तरह का एक बर्तन लेना है, जाली वाला। उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। यहाँ मैं राइस कुकर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास राइस कुकर नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी बर्तन लेकर उसे ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं। अच्छे से ग्रीस होने के बाद सारे मोमोज को हम इस तरह से रख देंगे
थोड़ा डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है, जिस तरह से ये पकने के बाद इसमें एक दूसरे से चिपके ना। ये देखिए राइस कुकर में मेरा पानी पहले से ही बॉईल करने के लिए रख दिया था। ये देखिए मेरा पानी ऑलरेडी बॉईल हो चुका है, अब हम इसे रख देंगे राइस कुकर में। बाद हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने स्टफिंग कम की है तो ये 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगा, अगर आपने स्टफिंग ज़्यादा की है तो आप इसे आधे घंटे तक रख सकते हैं। तो चलिए अब हम चटनी की तैयारी करते हैं। मोमोज की चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए एक टमाटर, ये बड़ा साइज़ का टमाटर है इसलिए मैंने एक ही लिया है, आप चाहे तो दो छोटे छोटे टमाटर भी ले सकते हैं। हमें इसे ब्लांच करना है, यहाँ मैंने इसे माइक्रोवेव में ब्लांच किया है, अगर आप चाहें तो इसे गैस पर भी ब्लांच कर सकते हैं। ब्लांच करना मतलब हमें इसे पका के इसकी स्किन रिमूव करनी है। ये देखिए हमारा जो टमाटर है अच्छे से पक गया है और इसकी स्किन ईजिली रिमूव हो रही है, जैसा हमें चाहिए था वैसा टमाटर रेडी है। अब हम लेंगे एक मिक्सर जार, उसमें टमाटर डालेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम डालेंगे सॉल्ट, यहाँ मैंने हाफ टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ विनेगर, और उसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। इसके बाद हमें डालना है गार्लिक, यहाँ मैंने 4 क्लोव लिए हैं गार्लिक के, और ग्रीन चिल्ली, यहाँ मैंने 4 ग्रीन चिल्ली ली, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ग्रीन चिल्ली ले सकते हैं। इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ये ग्राइंड हो चुका है, हमारी मोमोज की चटनी बनके रेडी है। चलिए अब मोमोज देख लेते हैं। ये देखिए हमारे मोमोज भी रेडी हो गए हैं, देखने में बड़े यमी लग रहे हैं। इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे, ध्यान रखिएगा ये बहुत हॉट है तो ध्यान से निकालिएगा। ये देखिए हमारे चिकन मोमोज और चटनी दोनों बनके रेडी है, इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ट्राई करने के बाद अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।